नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, तो देखिए यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी, जिनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, तो देखिए यहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी रहेगा। आईबी की तरफ से आपके इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात करें, तो आपको यहां पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर आप वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें, तो 8975 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपके लिए यहां पर रखी जाएंगे। एंड दोस्तों, एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पे स्केल के बारे में बात करें, तो लेवल 7 से आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी, जो कि 44,900 रुपए से 142,400 रुपए तक अप्रोक्स एटली आपके यहां पर सैलरी बनने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, एंड ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी MHA.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट ले सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, बात करते हैं यहां पर आईबी रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज की डिटेल के बारे में, तो देखिए कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज आप यहां से चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2628 वैकेंसीज आपके लिए रखी जाएंगी, एंड ओबीसी के लिए 1938 वैकेंसीज रखी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 1354 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। एससी कैंडिडेट के लिए 1649 और एसटी के लिए 1406 वैकेंसीज आपको अप्रोक्सिमेटली यहां पर रखी जाएंगी। टोटल 8975 वैकेंसीज आपके लिए यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। सैलरी के बारे में बात करें, तो मिनिमम सैलरी आपको यहां पर 40,730 रुपए मिलने वाली है और मैक्सिमम 1,42,400 रुपए तक सैलरी दी जाएगी, जो कि धीरे धीरे आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है या फिर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। 1 सितंबर 2023 तक अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जो भी कैंडिडेट यहां पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी यहां पर आवेदन कर पाएगा। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट रखी गई है। सो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सितंबर 2023 तक आपकी एज को यहां पर काउंट किया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल के एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट यहां पर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एंड ओबीसी के लिए यहां पर एससी एसटी के लिए 32 साल और ओबीसी के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एंड इसी के साथ में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यहां पर मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। विडो एंड डिवोर्स कैटेगरी के मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के विडो एंड डिवोर्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो यहां पर 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा, देन आपका पर्सनालिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं।
सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देखिए जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर ₹100 एप्लीकेशन फीस रहेगी एंड बाकी अदर रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आईबी के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न यहां पर रहेगा, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इसमें जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, साथ ही में क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे एंड लॉजिकल एनालिटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश से आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे और जनरल स्टडीज से भी आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए एंड इसी के साथ में जो आपका सेकंड एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा एंड ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग पूछा जाएगा। 30 नंबर का आपका ऐसे राइटिंग रहेगा और इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश राइटिंग के 20 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टोटल 50 नंबर का पेपर रहने वाला है और 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ में थर्ड स्टेज आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। सो यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का कंडक्ट करवाया जाएगा एंड दोस्तों इसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी एंड जैसे ही ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी आपके लिए सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड इसी के साथ में दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।